तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स को देख लिया था आज हम लोग कुछ उसको समराइज करेंगे और कुछ उसके आगे के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेटर्स को देखा है सो तो उसको हम लोग यहाँ पे टेबल के फॉर्म में देखने वाले हैं सो दिस इज द टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कॉस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज तो फर्स्ट ऑब्जर्वेबल क्वान्टिटी इज पोजिशन पोजिशन कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ियर coordinate, coordinate मोमेंटम जो है वो हमारा एक्स कॉम्पोनेट वाई कॉम्पोनेट और जेड कॉम्पोनेंट के फॉर्म में होता है सो एक्स कॉम्पोनेट के लिए पी एक्स कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स होता है। इसी तरह से नंबर फिफ्थ में अगर हम लोग चाहें टाइम दैट मीनस टाइम के रिस्पेक्ट में दैट इज टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इनडिपेंडेंट जिसको हम लोगो देखे थे तो टाइम फर्स्ट हम लोग देखेंगे सोडेंजर इक्वेशन के फॉर्म में टाइम डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट इज ई कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो बाय डो टी नंबर सिक्स टाइम इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट के केस में ये हो जाएगा एच कैप इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम डेल स्क्वायर प्लस व्ही नेक्स्ट वन इज फॉर नंबर सेवन नंबर सेवन हमारा होगा टाइम uh, जिसको हम लोग सिंपली टी से डिनोट करते हैं और इसका ऑपरेटर के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं टी कैप जिसका वैल्यू जनरली टी ही होता है नंबर एट इज एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम हमारा एंगुलर मोमेंटम इसके एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो एक्स कॉम्पोनेंट का हमारा हो जाएगा एल एक्स कैप विच इज इक्वल टू हम लोग ये हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम दो तरीका से पढ़ा है एक तो हम लोगों ने कार्टेजियन कॉर्डिनेट से पढ़ा है और एक पढ़ा है स्पिरकल पोलर कॉर्डिनेट दोनों को हम लोग लिखेंगे तो एक्स कैप इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस वाई डो बाई डो जेड माइनस जेड डो बाई डो वाई ये हो गया हमारा कार्टेजियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में नेक्स्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं सेम एलेक्स इन टर्म्स ऑफ स्फ़ेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज इक्वल टू आई एच क्रॉस साइन फाइव डो बाई डो थीटा प्लस कॉस थीटा ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था कॉस पाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा डो बाय डो पाई ओके यहाँ हम लोग इसमें वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को थोड़ा नीचे लिखते हैं ना नेक्स्ट इज फॉर वाई वाई के लिए हमारा हो जाएगा एल एक्ल वाई इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस do by do x minus x do by do जेड and l y और इसको हम लोग अलग कलर से कर लें एल वाई इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस फाइव डो बाय डो थीटा माइनस कॉस थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाय साइन थीटा डो बाय डो फाइव और नेक्स्ट हम लोग जेड कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो जेड कॉम्पोनेंट हमारा हो जाएगा एल जेड कॉम्पोनेंट इन टर्म्स ऑफ कार्टेजियन कोऑर्डिनेट दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस एक्स डो बाई डो वाई माइनस वाई डो बाई डो एक्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में एल जेड इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस do बाई डो वाई Okay. और लास्ट हमारा था नंबर नंबर सॉरी अभी तक हम लोगों ने नंबर लिया एट नंबर तक तो नाइन्थ नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू हम लोगों ने देखा था दिस इज एल कैप स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वन बाय साइन थीटा डो बायो थीटा साइन थीटा डो बायो थीटा वन बाय साइन स्क्वायर थीटा डो बायो फाइव स्क्वायर ठीक है तो so, ये हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर क्वांटिटी और उससे रिलेटेड हमारे एसोसिएटेड ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये टेबल्स हम लोग को याद रखने होंगे इसी टेबल्स पे हम लोग आगे कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे बाद में लास्ट के चैप्टर्स के लास्ट में हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नए चीजें जिसमें से हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं हर्मीशियन ऑपरेटर हरमिशियन ऑपरेटर किसको कहते हैं सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्मीशियन ऑपरेटर, ऑपरेटर ओके, सो वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेटर्स विच हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज देयर आइगन वैल्यूज आर रियल्स ठीक है इसके जो आइगन वैल्यू होते हैं वो रियल होते हैं आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन हम लोगों ने देख लिया था कैसे हम लोग फाइन करते हैं सो ऑल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी लाइक पोजिशन मोमेंटम एंड एनर्जी एक्सेट्रा आर रिप्रेजेंटेड बाय हरमिशन ऑपरेटर जितने भी हमारे पोजिशन मोमेंटम एनर्जी जितने भी तरह के ऑपरेटर्स हैं सभी को हम लोग हरमिशन ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं सो इन कंट्रास्ट ऑल द हरमिशन ऑपरेटर क्रॉस्पॉन्ड टू एब्जर्वर क्वांटिटीज तो वी कैन राइट एवरी इन टर्म्स ऑफ हरमिशन ऑपरेटर सो पहला तो है इसका प्रॉपर्टी में कि Uh, that is the eigenvalue of Hermitian operator okay. is real okay. and uh, an operator, general definition an operator. A cap is said to be Hermitian If it satisfy फाई सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन कंडीशन है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा तो so, हम लोग कंडीशन अभी लिखने जा रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ स्टार एक जी डीएक्स इज इक्वल टू Minus infinity to plus infinity, a cap into f star g dx. This can so. Um, this can also be written as minus infinity to plus infinity g a cap star f star

फंक्शन है वो हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे हरमिशन ऑपरेटर फर्स्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं eigenvalue and eigenfunction and eigenfunction of hermitian operator ठीक है मतलब हरमिशन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हम, लो so हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ठीक है सो फर्स्ट हम लोगों ने पहले शुरू किया था uh, कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन मैंने आइगन वैल्यू जो होता है हरमिशन ऑपरेटर का वो रियल होता है सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर वन आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर रियल नंबर ठीक है तो इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पे प्रूफ लेट मान लेते हैं साई एक आइगन फंक्शन है साइज़ ए आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर ए कैप विथ एंड आइगन वैल्यू ए मान लेते हैं एक साई आइगन फंक्शन है जो ऑपरेटर एक कैप से साथ रिलेटेड है और उसका आइगन वैल्यू जो है वो ए है सो so, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सो so ए कैप इंटू साई इज इक्वल टू ए हमारा लैमडा साई हुआ करता था तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए इंटू साई दिस इज आइगन इक्वेशन सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन नाउ टेकिंग मन आदमी रियल नंबर क्या होगा कोई भी क्वांटिटी रियल कब होगा जब किसी का भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें मतलब तो वो हमारा सेम वैल्यू आए क्योंकि अगर किसी के क्वांटिटी के ऊपर में अगर आई का टर्म है तो उसका जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आई होगा और रियल अगर क्वांटिटी है दैट मीन्स वहाँ आई का टर्म मिस होगा तो आई का टर्म मिस होगा तो वहाँ पे माइनस आई लें या कुछ वो तो फर्क पड़ेगा नहीं तो ये चीज़ हमारा जरूरी है यहां पे जानना जरूरी है कि कैसे हम लोग रियल करते हैं सो नॉट टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ऑफ इक्वेशन वन इक्वेशन वन का हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं ठीक है, सो so, हम लोग लिखेंगे यहां पे a कैप इंटू स्टार साई स्टार इज इक्वल टू ए स्टार साई स्टार ठीक है स्टार मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया ठीक है नाउ so, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ Hermitian ऑपरेटर फ्रॉम अब ये जो हम लोगों ने इक्वेशन वन में देखा था उसको यूज करेंगे हम लोग फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ Hermitian ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर के डिफिनेशन से क्या था Hermitian ऑपरेटर का डिफिनेशन अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा एफ और जी के फॉर्म में देखा था कि एफ g इज इक्वल टू क्या होता है एक ए जो है वो बाहर आ जाता है और एफ जो है वो अंदर में आके इसके साथ दोनों के साथ स्टार लग जाता है और जी का टर्म बाहर निकल जाता है ये हम लोगों ने देखा तो यही सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं सो तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस इन्फिनी टू प्लस इन्फिनेटी ठीक है साई स्टार a कैप इंटू साई dx इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी अब ये फॉर्मूला हो जाएगा ए कैप इंटू साई का स्टार क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे कि जब साई स्टार को आगे रखे हैं मान लीजिए एफ मेरा साई स्टार है तो साई स्टार ए कैप और यहाँ जी के जगह पर अगर हम लोग साई यूज कर रहे हैं एफ़ के जगह पर भी साई स्टार है और यहाँ पर भी साई है तो एक कैप इंटू साई आर इंटू साई इंटू डी एक्स तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एक का स्टार and then वेर हम कर रहे हैं इक्वेशन वन में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं एफ और जी के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं साई पुट कर रहे हैं पुट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एफ और जी के जगह पे ये जो हमारे इक्वेशन है एफ और जी यहाँ पे हम लोग साई पुट कर रहे हैं तो हमारे ये इक्वेशन ये दोनों ये दो फॉर्म आएगा ये दोनों फॉर्म जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ठीक है और इसके बाद का जो फॉर्म होगा वो फिर थर्ड वाले फॉर्म में होता है उसमें क्या होता है कि ए का स्टार हो जाता है और साई का स्टार हो जाता है तो ये हो जाता है माइनस ए इन्फिनीटी टू प्लस इंफिनिटी ए स्टार एक साई स्टार साई डीएक्स ठीक है ये हो गया हम लोग का ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री इस इसको इसको इक्वेशन नंबर थ्री हम लोग कर लेते हैं नाउ यूजिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री यूजिंग equation one two the equation three can be written as can be written as कैसे लिख सकते हैं हम लोग तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है ठीक है ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे आप देखते हैं यहाँ पे क्या-क्या वैल्यू -क्या है तो ये अगर हम लोग ध्यान से देखें हम लोग यहाँ कलर कर रहे हैं ये जो वैल्यू है a कैप साई का वैल्यू है a साई और यहाँ पे a कैप यहाँ पे ये यह वैल्यू है तो दैट मींस a कैप साई के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं a साई मतलब a कैप साई के जगह पे हम लोग a साई पुट कर सकते हैं उसी तरह फिर नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू है a कैप ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू है ये ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके जगह पे अगर इसको हम लोग अलग कलर करें ये जो वैल्यू है इसको मिटा ले सॉरी 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 अच्छा कोई बात नहीं इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं ये हो गया हमारा माइनस इनफिनिटी से एक एप स्टार स्टार। अब जो हम लोग कलर कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमको कहाँ से मिलेगा ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा इक्वेशन से तो इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्सिट्यूट कर दे रहे ठीक है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ये हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं साइ स्टार यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ए साई टी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इक्वेशन नंबर टू से इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे सो so ये हो जाएगा हमारा ए स्टार साई स्टार साई डी ओके अब यहाँ पे जो हम लोग इंट्रीग्रेशन कर रहे हैं वो ए यहाँ पे कांस्टेंट है ए को हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं रियल क्वांटिटी है सो इट इज ए ये हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी स्टार si si पे हमारा ए स्टार कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लें माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी साइ स्टार ओके दोनों साइड से हम लोग देख रहे हैं कि इसको माइनस कर लेते हैं इसको इस साइड को लेके आते हैं तो अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए स्टार और दोनों में ये कॉमन है ये टर्म इधर आएगा तो माइनस होगा या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स माइनस ए स्टार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो दोनों में ये कॉमन सो साइ स्टार साई डी एक्स Is equal to zero. अब ये दो प्लस इंफिनिटी ये तो जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि ये नॉर्मलाइज कंडीशन में है सो वी स्टार मतलब कि रियल uh, और दोनों जो है वो हमारा सेम है दैट मीन्स दिस प्रूव दैट द आइगन वैल्यू ऑफ देर आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल ठीक है तो ये हम लोगों ने प्रूव किया कि हर्मिशन ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है वो रियल क्वांटिटी होता है तो नेक्स्ट और हम लोग प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पर लिखने जा रहे हैं सो तो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर टू दैट इज ऑर्थोगोनालिटी प्रॉपर्टी This is also called orthogonality theorem. This this says that that eigen functions of a Hermitian operator Hermitian operator corresponding to corresponding to different eigen values are orthogonal eigen function different eigen operator ke liye kya kya hote hain orthogonal hote hain so ye bhi काफी easily इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं solve कर सकते हैं तो ये सेकंड प्रॉपर्टी का भी हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं थर्ड वन और उसके बाकी कॉम्प्यूटर ऑपरेटर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो ये दो ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसका हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इसके लिए हमको दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी सो लेट साई वन एंड साई टू आर द आइगन फंक्शन ऑफ The operator A cap with eigen values A and B respectively. मान लेते हैं दो eigen functions हैं साइन वन और साइन टू और उसके corresponding ऑपरेटर एक ऐप के साथ जब वो ऑपरेट कर रहा है तो उसके दो आइगन वैल्यूज आ रहे हैं ए और पी तो हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख सकते हैं तो देयर फोर ए कैप इन साई वन जब हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका आइगन वैल्यू इक्वेशन ए हम हम लोग लिख रहे हैं इसको ए वन पहले वन है इसलिए वन सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हैं ए वन ठीक है नंबर वन एंड फॉर ए कैप साई टू वी हैव ए टू अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी ना लेके सिर्फ ए वन ए टू ले तो चलेगा तो यहाँ पे हम लोग बी ना लेके ए लेके चलते हैं सो so, ये हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे सिंपली ए वन एंड ए टू सो ए कैप इक्वल टू साई टू ए टू साई टू दिस इक्वेशन नंबर टू ओके नाउ दोनों का हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे सो so, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन एंड टू वी गेट सो ये हो जाएगा हमारा एक एप साइव कैप इज इक्वल टू ए वन साइवन स्टार और यह हो जाएगा ए वन स्टार साइवन स्टार एंडिशन ऑपरेटर के जो रियल एगन वैल्यूज होते हैं वो रियल होते हैं सो ए वन स्टार इज इक्वल टू ए वन हो जाएगा सो so ये हम लोग लिखेंगे ए वन यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस सो दिस इज ए वन साइव Star Question number three. Okay. Next, and A cap side two A two side two star is equal to A two star side two. स्टार इज इक्वल टू ये फिर यहाँ पे हो जाएगा ए टू साइड ठीक है फिर यहाँ लिख सकते हैं has रियल वैल्यूज रियल आइगन वैल्यूज ठीक है हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ हरमिशन ऑपरेटर फ्रॉम Definition of operator. फिर हम लोग यही इक्वेशन नंबर वन यूज करेंगे और एफ के जगह पे यूज करेंगे हम लोग साई वन और जी के जगह पे यूज करेंगे साई टू हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आ, यहाँ लिखें या ना लिखें लेकिन हम लोग जानने के लिए यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेते हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर सके बार बार अप डाउन ना करना पड़े सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफिनिटी हरमिशन ऑपरेटर का जो था एफ स्टार ए कैप जी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक कैप एफ स्टार जी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जी ए स्टार एफ स्टार पी एक्स अब हम लोग क्या पुट कर रहे हैं एफ के जगह पे साई वन और जी के जगह पे साई टू तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई वन स्टार is equal to टू माइनस to टू प्लस a साई psi स्टार साई psi टी एक्स ठीक है ये हम लोगों ने पुट किया यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं इसको हम लोग कुछ इक्वेशन मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ले ले हैं इसको नाउ यूजिंग इक्वेशन जो इसके अर्लियर इक्वेशन थे हमारे इक्वेशन नंबर वन एंड टू वन एंड टू जो हम लोगों का था वो यूज करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर वन क्या था हमारा ए कैप साइज स्टार के जगह पे ए ये और ये वाला वैल्यू जो दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्यूट कर देंगे सो तो हमारा हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन एंड टू को जब हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इनफिनिटी टू प्लस इक्वेशन वन में ये वैल्यू था इक्वेशन टू में ये वैल्यू था इक्वेशन टू का वैल्यू था ए टू साई टू डी एक्स और ये हमारा वैल्यू था इक्वेशन नंबर वन में इसका वैल्यू था हमारा ए कैप ये था हमारा ए वन साई वन स्टार साई टू डी एक्स ओके अब ये जो है हमारा दोनों में रियल वैल्यू है तो इसको, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं सो दिस इज साई टू डी माइनस इंफिनिटी इन्फिनिटी ए वन को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं साई वन स्टार इन साई टू डी एक्स ओके ना अब इसको ये टर्म्स को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं दोनों टर्म को सो दिस इज ए टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई वन स्टार साई टू स्टार डी एक्स माइनस ए टू ए सॉरी ए वन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई वन स्टार साई टू डी एक्स सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा अगर इज इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो तो दोनों में कॉमन है सो so ये हो जाएगा ए टू माइनस ए वन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई वन स्टार साई टू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो ओके सिंस दो हमारे आइगन फंक्शंस हैं दो आइगन वैल्यूज हैं अलग अलग तो सिंस ए टू माइनस ए वन सुड नॉट बी इक्वल टू जीरो ये जीरो तो होगा नहीं क्योंकि तो ये दो अलग अलग आइगन वैल्यू है दे हमारे पास क्या कंडीशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनी दो अलग अलग आइगन के लिए फंक्शन के लिए ये और जब ये कंडीशन को जो कोई सेटिस्फाई करता है दो फंक्शंस दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल फंक्शन दिस इज ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन सो देर फोर साई वन एंड साई टू आर ऑर्थोगोनल सो हम लोगों ने दो फंक्शन देखा दोनों फंक्शंस को देखा कि आइगन फंक्शन के फॉर्म में ये क्या होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं ठीक है तो ये हमारा एक प्रॉप दो प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारा कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ परमिशन ऑपरेटर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके साथ फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिटेटर एल्जब्रा कॉम्बिटेटर अल्जब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें हम लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए जाते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियोरम्स हैं उससे रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे